वाराणसी गांव में एक फूड ट्रक वैन पे एक आदमी कोल्ड कॉफी बनाकर बेचता था। पहले कोल्ड कॉफी बनाकर उस पे आइसक्रीम डालकर देता था। उसे वहां के लोग बड़े चाव से खाते थे। उस ट्रक के मालिक का नाम दालमिया था। वो बहुत नेक और ईमानदार आदमी था। वो कोल्ड कॉफी बनाने के लिए अच्छे गुणवत्ता के चीजों का इस्तेमाल करता था, कभी भी मिलावटी चीजों का इस्तेमाल नहीं करता था। दालमिया की पत्नी का नाम गोमती और बेटे का नाम विक्की है। विक्की कॉलेज में पढ़ रहा था। कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद से वो आवारा फिर रहा था। ये गौर करके एक बार दालमिया, बेटे पढ़ाई पूरी होने के बाद या तो आगे की पढ़ाई करनी है या अपने पढ़ाई के हिसाब से कोई ना कोई नौकरी ढूंढनी है, ये दोनों करे बिना ऐसे वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? अगर तुम्हें नौकरी करना पसंद नहीं है तो हमारे कोल्ड कॉफी का व्यापार संभालो। तुम वहाँ आए तो कोल्ड कॉफी कैसे बनाते हैं मैं सिखाऊ, कहा विक्की। तब बाप पिताजी सुबह सुबह क्यों परेशान कर रहे हो? हमारी इतनी जायदाद है, कल के दिन अगर आप मर गए तो ये सब मेरा ही होगा ना, मुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है, कहा। ये बात सुनते ही गोमती उसे थप्पड़ मारी। क्या बात कर रहे हो, ये सब उनके मेहनत की कमाई है, तुम्हें इसमें से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अगर नौकरी करना पसंद नहीं है तो जाकर कोल्ड कॉफी का व्यापार संभालो। ये और कितने दिन मेहनत करेंगे, इन्हें आराम करने नहीं दोगे क्या, बोली। इससे विक्की को बहुत गुस्सा आकर वो बाहर चला गया। दो दिन तक घर नहीं आया। वो आएगा कहकर वो लोग उसकी राह देखने लगे, मगर फिर भी वो नहीं आया। तीसरे दिन सुबह वो घर को आया। माँ तब, मुझे माफ करो बेटा, गुस्से में आकर मारा मैंने, फिर कभी नहीं मारूंगी, बोली। दालमिया तब, बेटे तुम कोई काम नहीं करे तो भी चलेगा, तुम ऐसे ही रहो मगर कभी भी ऐसे घर छोड़कर मत जाओ, कहा विक्की तब। माँ पिताजी आपने कुछ गलत नहीं किया, गलती तो मेरी है। घर छोड़कर जाने के बाद मुझे समझ आ गया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। अब से मैं कोल्ड कॉफी का व्यापार संभालूंगा, अब पिताजी आराम कर सकते हैं। पिताजी मुझे कोल्ड कॉफी बनाना सिखाकर अब से आप घर के पास आराम कीजिए, कहा। उसके बातों से वो लोग बहुत खुश हुए। दालमिया थोड़े दिन बेटे को कोल्ड कॉफी कैसे बनाना है सिखाया। अब विक्की कोल्ड कॉफी बनाने लगा, दालमिया घर में आराम करने लगा। महीने महीने बेटा आकर उसके कमाए पैसे दिखाने लगा तो माँ और पिताजी दोनों बहुत खुश होने लगे। दिन ब दिन उसके कमाए पैसों से अलमारी भर रही थी। वो देखकर माँ, बेटे सच में तुम बहुत समझदार हो, अब तक तुम्हारे पिता भी इतने पैसे नहीं कमाए, बोली। पिता तब, सच में मुझे भी हैरानी हो रही है, इतने पैसे कैसे कमा रहे हो बेटा, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहा विक्की तब। पिताजी मैं इस ट्रेंड के हिसाब से व्यापार कर रहा हूँ, इसलिए लोग मेरे पास बार बार आकर खरीद रहे हैं। आप अभी भी पुराने जमाने के तरीके आजमा रहे हो, कहा। एक बार थोड़े पुलिस वाले दालमिया के घर को आए। ऐसे तब, दालमिया जी हमें आपके बारे में अच्छे से पता है, आप कितने ईमानदारी से व्यापार करते हैं हम जानते हैं, मगर आपका बेटा, यूं कुछ कहते हुए रुक गया। दालमिया तब, बोलिए सर, मेरे बेटे ने कुछ गलत काम किया क्या? वो वैसा नहीं है सर, कहा। गोमती तब, हाँ सर मेरा बेटा कुछ गलत नहीं करता, बोली। ऐसे तब, माँ सब अपने बच्चे को अच्छा ही कहेंगे, जब तक उनका असली चेहरे का पता ना चले वो नहीं मानेंगे। आपका बेटा उस कोल्ड कॉफी में नशीले पदार्थ मिलाकर बेच रहा है, गांव के युवकों को उसकी लत लगकर जितने चाहे उतने पैसे देकर उसे खरीद कर जा रहे हैं। मैं आपके बेटे को अरेस्ट करके जेल में डाल सकता हूँ, मगर आपके इज्जत का ख्याल रखते हुए आपको एक मौका दे रहा हूँ, आपके बेटे को अच्छे से समझाइए, नहीं तो हम उसे जेल में डालेंगे, बाद में आपकी मर्जी, चलता हूँ, कहकर चला गया। दालमिया और गोमती ट्रक के पास जाकर देखे तो वहाँ पर युवक कोल्ड कॉफी पीकर नशे में धुत हो रहे थे। गोमती और दालमिया जाकर विक्की को खूब पीटे और जो भी था वो सब बताए। इससे विक्की बदल गया और तब से कोल्ड कॉफी बेचते हुए अच्छे से रहने लगा।